एंजल डेट एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या कुछ हो सकता है, कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहाँ से मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है, या कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस होगा जहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं। तो अपना ट्रेडिंग प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो चीज़ें मैं ट्रेड करने वाला हूं, जिस तरीके से मार्केट को मैं वॉच करने वाला हूं, जिस तरीके से मार्केट को फील करने वाला हूं, वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा यहां पर बताने की, और उम्मीद करूंगा कि कल के दिन आप बहुत अच्छा पैसा बना पाए। तो चलिए फाइनली आज देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए मैं 3-4 दिन मैं अवेलेबल नहीं था, एक्चुअली मैं थोड़ा इलेक्शंस वगैरह में बिजी था। तो आज जाकर के मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फ्री हुआ हूं। तो और अभी जो है क्या है, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग पर अपने को फोकस करना है, और मैं कुछ ट्राई करूंगा आप लोगों को कुछ कॉल्स वगैरह देने की भी अपना टेलीग्राम चैनल में। तो अगर तक आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोशिश करूंगा 1-2 कॉल्स देने की डेली में आप लोगों को, और कुछ चार्ट वगैरह पोस्ट करने की, जिससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलने वाला हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी देखिए मॉर्निंग टाइम में जो आज ओपन हुआ था वो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद एग्जैक्ट अपने सपोर्ट एरिया से मार्केट ने आज बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक करने के बाद मार्केट ने जो आज हाई लगाया वो ऑलमोस्ट 38,000 को टेस्ट किया, इवन 38,050 के आसपास लग गया मार्केट। और जो मार्केट ने जो मॉर्निंग टाइम में जो लो लगाया था वो 37,150 के आसपास, मतलब क्या है हम कह सकते हैं यहाँ पर मार्केट में आज 900 पॉइंट्स की जो है मूवमेंट हुई है, और वो भी 900 पॉइंट्स की मूवमेंट वन साइडेड हुई है, सिर्फ एक साइड वो मूवमेंट हुई है, मतलब बाइंग की साइड। और देखिए जो है सेकंड सेशन में मार्केट जो ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट किया, तो आज तो मैंने ट्रेडिंग नहीं की, बट जो है बाद में अभी मैंने इसको देखा है चार्ट को, तो काफ़ी अच्छा जो है आज अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में पैसे बनाने की। तो देखिए यहाँ पर अब जो क्लोजिंग आई है हमारी, ये आई है 37,702 पर। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो सकता है, वो चीज़ें मैं सारी आपको बताने वाला हूँ। एक हम यहाँ पर देखेंगे तो एक हमारे पास यहाँ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर अभी हम कंटिन्यू फेस कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे बता दूँ आपको, ये वाली ट्रेंड लाइन, एक बार हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गए और हमारे पास जो अभी जो प्रॉपर स्विंग है वो ये वाला एरिया हमारे पास स्विंग है, ये वाला एक बार हम लेवल निकालते हैं ऑलमोस्ट 38,300 से लेकर के 38,400, ये लेवल अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए हर्डल फेस कर रहे हैं अभी हम। 38,300 से 38,400 के बाद जाकर के अपने को एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मिलने वाला है, और मार्केट में भी यहाँ पर जाकर कुछ टाइम या तो मार्केट रेंज बाउंड हो या फिर मार्केट डायरेक्ट यहां से रिवर्सल करें। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, और 15 मिनट के चार्ट में आपको मैं समझाता हूं किस तरीके से मार्केट में कल हो सकता है। पहले देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुई, और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने एक्जैक्ट जो है अपने सपोर्ट एरिया को टेस्ट किया। अब देखिए ये सपोर्ट कौन सा है, ये सपोर्ट हमारे पास जो है 14 फरवरी का जो यहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी, और मार्केट ने ये जो रेंज बनाया था, और यहीं पर फाइनली इसी लेवल के आसपास मार्केट ने जो ब्रेकआउट हुआ था, इसी लेवल के आसपास मार्केट ने जो है यहाँ पर, अब देखिए जो आपको एक सिग्नल होता है ना, मैं जिस सिग्नल की बात करता हूँ बार बार कि मार्केट को सिग्नल देने दीजिए और ट्रेड व्हाट चार्ट इज टेलिंग, तो ये होता है ट्रेड व्हाट चार्ट इज टेलिंग। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला, अगर आप इस कैंडल को अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार कैंडल है। अब देखिए मॉर्निंग स्टार कैंडल और सपोर्ट एरिया पर, ये हमारा सपोर्ट एरिया, और हमारे पास यहाँ पर पहली रेड कैंडल, दूसरी डोजी कैंडल, तीसरी, इवन देखिए जो रेड कैंडल को, पहली कैंडल को अगर तीसरी कैंडल पूरा एंगल्फ कर ले वो मूव बहुत ज़बरदस्त होती है वहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में ही मॉर्निंग स्टार कैंडल अपने को मिल गई, और यहाँ से जो है देखिए मार्केट वन साइडेड मूव मार्केट ने किया। अब देखिए अगर यहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आपको अगेन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है इनसाइड कैंडल, ये वाली आप ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल मिली है, जो हमारे पास ये ग्रीन कैंडल हुई, ग्रीन कैंडल के बाद हमारे पास ये रेड कैंडल। तो यहाँ पर मार्केट जब इसका हाई ब्रेक किया, इसके बाद मार्केट कंटिन्यू, देखिए अपनी इस हाई को भी इसने कहीं जा करके कोई हर्डल फेस नहीं किया। देखिए अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो आपके सोचने से नहीं होगा, अपने को सोचना नहीं होता है, क्या हम सोच के कई बार बहुत अच्छा ट्रेड बहुत जल्दी निकाल देते हैं, तो अपने को सोचना नहीं होता। यहाँ पर मार्केट को कोई सिग्नल देने दीजिए, या तो कोई मार्केट इस तरीके से रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद फाइनली नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे, या तो कोई बड़ी शूटिंग स्टार कैंडल बनाए, इस तरीके से कुछ मतलब सिग्नल देने दीजिए। अगर मार्केट सिग्नल देती है तो वहां पर जो है एग्जिट करिए। देखिए ये रेजिस्टेंस तभी रेजिस्टेंस है जब मार्केट यहाँ पर आकर के उस तरीके का बिहेव करे, ये रेजिस्टेंस तब तक रेजिस्टेंस नहीं है जब तक मार्केट यहाँ पर आकर के कोई आपको सिग्नल नहीं देती है। तो मार्केट ने फाइनली देखिए इस एरिया में आकर के सिग्नल दिया, मार्केट ने फेस टू बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा एक सेटअप 13 जिसको हम कहते हैं, वो सेटअप 13 यहाँ पर तैयार हुआ, और मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ। अभी देखिए मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर हुई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट की क्लोजिंग को देखना कि मार्केट कौन से ट्रेंड में बंद हुआ है। तो मार्केट का जो ट्रेंड में जो बंद हुआ है वो यहाँ पर
ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये जो एरिया है, ये एरिया जो रेजिस्टेंस एरिया, मतलब जो हमारी फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी, वो क्लोजिंग हमारा आज ये यहाँ पर सेम जगह पर हमारी क्लोजिंग आई है। मतलब क्या था, ये एरिया रेजिस्टेंस था और ये एरिया क्या है, सपोर्ट एरिया है। अब चलिए चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि अपने को कल किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, अब देखिए 5 मिनट के चार्ट में, और 5 मिनट के चार्ट में अब यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, मैं जिस एरिया की बात कर रहा था वो ये वाला एरिया है, जो हमारी कल की क्लोजिंग और ये आज की क्लोजिंग। अब देखिए, इस एरिया में आकर के मार्केट करके आ रहा है, इस एरिया में मार्केट आकर के ये रेंज बनानी मार्केट ने स्टार्ट कर दी है। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रेंज है। रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए, अब मार्केट क्या कर सकता है, मे बी मार्केट देखिए कई इस तरीके से मार्केट यहाँ पर इस रेंज में ट्रेड करने के बाद, या तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो अपने को बायर बन जाना है। देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपका व्यू हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, कभी भी एक व्यू लेकर के मत चलिए। दूसरा क्या है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा आपको, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा, और ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो आज का जो डे हाई लगा है, ये वाला हमारा पहला टारगेट होगा। तो ये आप किस कंडीशन में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं जब मार्केट फ्लैट ओपन हो। मतलब क्या है, फ्लैट ओपन हो, इस रेजिस्टेंस और जो हमारा रेंज का जो रेजिस्टेंस है ये वाला एरिया, और जो रेंज का हमारा सपोर्ट है ये वाला एरिया, इन दोनों एरिया के बीच में मार्केट को ओपन होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में जब मार्केट ओपन होती है और फाइनली यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने के बाद फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, उसके बाद जाकर के हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो डे हाई का होना चाहिए, मार्केट फ्लैट ओपन होनी चाहिए। चलिए अब दूसरा केस देख लेते हैं, दूसरे केस में क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर भी एक लेवल ये ड्रॉ कर लेता हूँ जो आज का डे हाई लगा हुआ है, तो आप लोगों को क्या है देखने में यहाँ पर बहुत आसानी होगी। ये मैंने अब डे हाई जो है मार्क कर लिया है, ये हमारा डे हाई एरिया है। तो अब देखिए, अगर मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, देखिए मार्केट में क्या है कि अभी थोड़ी कुछ न्यूज़ चल रही है यूक्रेन का और जो है रशिया का, अभी तक यहाँ पर इनका जो है मामला भी निपटा नहीं है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है, मार्केट कभी भी गिर सकती है। सो अगर एक मैं आपको प्लान बता देता हूँ कि अगर आप बाइंग के साइड जा रहे हैं तो क्वांटिटी हमेशा छोटी रखिए, हमेशा नहीं मतलब ये जो है आजकल के दिनों में कि इस वीक में आपको आप समझ सकते हैं कि मतलब क्वांटिटी छोटी रखिए, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी बैड न्यूज़ आ सकती है, इंटरनेशनल न्यूज़ कोई भी बैड न्यूज़ आ सकती है और आपको जो है एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए बाइंग साइड अगर जा रहे हैं तो क्वांटिटी छोटी रखिएगा, अगर सेलिंग साइड जा रहे हैं तो क्वांटिटी नॉर्मल जो आप क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं उस क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, समझ लीजिए कि मार्केट कहीं इस एरिया में गैप अप ओपन हो गई, गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर अगर कहीं ओपन होती है तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, आराम से पेशेंस रखिए, चुप करके बैठिए। अब मार्केट को एक बार ऊपर की तरफ जाने दीजिए, यहाँ पर जाने के बाद जब मार्केट यहाँ पर फाइनली आकर के कोई रेंज बनाती है, या हमको जैसे यहाँ पर मॉर्निंग स्टार हमको कैंडल मिली थी वैसे ही मॉर्निंग स्टार कैंडल अपने को इस एरिया में जो मॉर्निंग स्टार कैंडल मिली, देखिए 5 मिनट में मिली और 15 मिनट में मिली है, तो यहाँ पर अगर कोई अपने इवनिंग स्टार कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए ट्रेड देख सकते हैं, या मार्केट जाकर के किसी रेंज में जाकर के ट्रेड करने लग जाती है और फाइनली रेंज को नीचे तक ब्रेक डाउन करती है तो हम यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड देख सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत छोटा सा अपने को रखना है, जो कैंडल यहाँ पर इस रेंज को ब्रेक डाउन करेगी, मान लीजिए ये वाली 5 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक डाउन कर रही है, अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी ये, तो अपने को इस कैंडल के नीचे अपने को ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेक डाउन कर रही है उसी के ऊपर अपने को यहाँ पर स्टॉप लॉस कर देना है, कोई बहुत ऐसा नहीं पूरा रेंज के ऊपर ही स्टॉप लॉस करना है, छोटे स्टॉप लॉस के लिए जाइए हमेशा, कभी भी बड़े स्टॉप लॉस के लिए मत जाइए, क्योंकि देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आपका छोटा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, बट अगर आपका बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आपको दोबारा ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, तो हमेशा छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज और दिखाऊंगा, यहाँ से हमारे पास या मेरी ड्राइविंग जो है ना इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ, मैं आप लोगों को यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये ट्रेंड लाइन एक है, तो अब इस ट्रेंड लाइन पे देख लीजिए किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है। मे बी मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद इस एरिया में जाकर के मार्केट जो नीचे की तरफ आएगी वो इस एरिया तक आ सकती है, जो हमारा ये ट्रेंड लाइन है। देखिए मार्केट ने एक बार ऑलरेडी फर्स्ट सपोर्ट ये है, दूसरी बार मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है, मतलब क्या है देखिए ये 2 लेवल हमको मिल गए, जब 2 लेवल मिल जाते हैं तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाता है। इस एरिया में मार्केट आने के बाद अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है और फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है इस एरिया का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन में सेलिंग के लिए हमारा एक ट्रेड हो सकता है। दूसरा ट्रेड देखिए, गैप अप अगर ओपन अच्छे तरीके से हो जाता है, मीन्स क्या है
एक अच्छा इस तरीके से गैप अप ओपन हो, मतलब ये पूरी एक हरी भरी कैंडल बन जाए और पूरा ब्रेक कर दे। अब इस ब्रेक करने के बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर जाकर के ट्रेड ले सकते हैं। मतलब ये जो एरिया है ये निकलना चाहिए, ये आज का जो हाई लगा हुआ है ये एरिया एक बार मार्केट प्रॉपर तरीके से ऊपर की तरफ क्लोज कर दे और नीचे जो वॉल्यूम हो वॉल्यूम में भी बहुत अच्छे खासे यहाँ पर आसपास का जो वॉल्यूम हो उस वॉल्यूम से जो है डबल साइज में होना चाहिए हमारा ये वॉल्यूम। तो दोनों चीजों को यहाँ पर देखना होता है, तो दोनों चीजों पर फोकस करिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर गैप डाउन की ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग में हम यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट की क्लोजिंग 37,700 पर है, तो यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं गैप डाउन ओपन होती है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस जो है इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। ये वाला हमारा जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट हमारा कल के लिए मेन जो है सपोर्ट का काम कर सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है प्राइस एक्शन में, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, मींस क्या है, अभी तक हमने प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया है। अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन यहां से हम प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद जो देखिए ये वाला सिनेरियो फिर बन जाएगा और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी और हमारे पास जो है ये अगला सपोर्ट जो आएगा, ये हमारे पास आज का जो हमारा डे लो लगा हुआ था वो डे लो। तो हमारा जो है डे हाई और डे लो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं कल के लिए, तो इन पर नजर बना करके रखिएगा और बड़ी सिस्टमैटिक ट्रेड करिए। देखिए ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, तो बहुत एनालिसिस करने के बाद अच्छे तरीके से अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड में तभी ट्रेड के अंदर घुसा करिए, अदरवाइज ट्रेड के अंदर मत घुसा करिए। पहले सेटअप तैयार हो ले, सॉरी सेटअप नहीं पढ़ते हैं, आपको पैटर्न को पहले तैयार हो लेने दीजिए। पैटर्न तैयार हो जाता है उसके बाद ब्रेकआउट हो जाता है, कैंडल क्लोज हो लेने दीजिए, उसके बाद जाकर के एंट्री करिए, आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।